जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण। मेरे प्यारे बच्चों, साप्ताहिक राशिफल में फिर से आपका स्वागत कर रही हूँ। सबसे पहले तो आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहती हूँ। आपका सबसे प्यारा चैनल ग्रहों की बात, जो आपको सटीक भविष्यवाणी देता है, आपके लाइफ को गाइड करता है, वो आज 5 लाख सब्सक्राइबर्स पर पहुंच गया है। आप सभी का प्यार है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार से इसको शेयर करते रहिए, ताकि सत्य जो है वो लोगों के सामने आ सके, भ्रम उनके टूट सके और उनको पता चल सके कलयुग में भी आज भी चमत्कार होते हैं। आज हम बात करने वाले हैं 22 से लेके 28 जुलाई तक का जो साप्ताहिक राशिफल है वो आपके लिए कैसा जाएगा, क्या क्या होने वाला है, क्या सावधानियां रखनी है, सब कुछ बताऊंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण। मेरे प्यारे बच्चों, आज आपकी गुरुमा आपसे कुछ मांगने आई है। जैसे कि आपको पता है, अब दरबार हमारी साधना स्थली के बाहर भी लगने लगा है, दिल्ली में जगह जगह लग रहा है या अन्य शहरों में भी बुलावा आ रहा है, तो वहां जाना ही पड़ेगा। अब एक कमी मुझे बहुत ज्यादा खल रही है, वो ये है कि मैं अपने प्रभु श्री शनिदेव को अपने साथ ले जा नहीं पा रही हूँ। अब हमारे पास जो प्रतिमा है वो पत्थर की है, तो उनको ले जाना तो संभव नहीं है। तो मन मेरा किया कि क्यों नहीं भगवान शनिदेव की एक चांदी की प्रतिमा का निर्माण हो। दिल्ली में पता किया तो ऐसा कोई व्यक्ति मुझे मिला नहीं जो चांदी की भगवान शनिदेव की सुंदर सी प्रतिमा बना करके हमें दे सके। तो अगर आपके पास व्यवस्था हो या आप अपने आसपास पता कर लें, अगर शनिदेव की सुंदर सी प्रतिमा आप दे सकें, तो इस योगदान को सभी भक्त बहुत ज्यादा याद रखेंगे और जहां भी हम जाएंगे भगवान शनिदेव की कृपा सभी भक्तों को प्राप्त होती रहेगी। ये जो राशिफल है ज्योतिष की गणनाओं पर तो आधारित ही है, साथ में मुझे जो भी इंट्यूशन प्राप्त होता है, जो भी आभास शक्ति है, प्रभु की जो भी कृपा मुझ पर है, उसके अनुसार भी मैं आपको बताती हूँ। ये खुशखबरी तो मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ कि 3 दिन जो है वो दरबार इस समय लगाया जा रहा है आप सभी के कष्टों को दूर करने के लिए। प्रयास मेरा यही रहता है कि सबसे मुलाकात करूँ, जिनसे दिल्ली में नहीं मिल पा रही हूँ, बात चल रही है आपके शहर आके भी जल्दी आपसे मुलाकात करेंगे, ऐसा भी प्रयास है। जब तक जीवन में है आपकी सहायता के लिए करते रहेंगे, इसीलिए राशिफल भी आपको बताते हैं ताकि इससे आपको गाइडेंस मिले और आप लोगों का फीडबैक भी होता है। अभी भी कोई सज्जन कमेंट में बता रहे थे कि किस प्रकार से उनका धन का नुकसान होने से हमने बचा लिया। वो अपने किसी पैसे कहीं पर इन्वेस्ट करने वाले थे और हमने उनको बताया, तो वो ऐप जो है वो 2 महीने में बंद हो गई और अच्छा हुआ उन्होंने हमारी बात मानी, हमारी सलाह मानी और उसमें इन्वेस्ट नहीं किया, नहीं तो उनके पैसे डूब जाते। इसी प्रकार से आपको गाइड करते रहते हैं ताकि आपका जीवन बेहतर हो सके। तो जो मिल नहीं पा रहे हैं, अभी राशिफल से लाभ उठाइए। आने वाले समय कैसा होगा ये सभी आपको इन राशिफल के माध्यम से पता चलता है। यहाँ आए हो, वीडियो देख रहे हो, हमारे चैनल से जुड़े हो, तो आपकी एनर्जी में जरूर रीड कर पा रही हूँ और डेफिनेटली आपके लिए ये राशिफल है। कोई ना कोई मैसेज या बहुत सारे मैसेजेस में आपके लिए जरूर होंगे। मकर राशि वालों, चलिए जानते हैं ये हफ्ता आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस हफ्ते में आपकी फैमिली आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करती हुई दिखाई दे रही है। अगर आपको बहुत समय से शिकायत थी कि आप ही फैमिली के लिए करते रहते हैं, वो तो कुछ करते नहीं है, या आपको मन में कहीं ना कहीं अकेलापन लग रहा था, लोनलीनेस फील हो रही थी, तो आपकी फैमिली आपके साथ खड़ी होगी। कोई ऐसी सिचुएशन आएगी जहां वो प्रूव करेंगे कि आपकी फैमिली हमेशा पीछे से आपके साथ ही खड़ी थी और आपके साथ ही खड़ी रहेगी। तो ऐसी एक सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे रही है इस समय में जो है। अगर हम आपके काम की बात करें तो काम को लेकर के आप पुरानी चीजों को बाहर फेंक सकते हैं, पुराने काम करने के तरीकों को बदल सकते हैं, आप पुरानी कुछ चीजों को चेंज कर सकते हैं और नया कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आप बहुत एकदम से अब्रप्टली कर रहे हैं, अचानक से कर रहे हैं, आपको एकदम लग रहा है कि नहीं, उसको चेंज होना ही चाहिए, करना ही चाहिए। तो ऐसे कुछ चेंजेस आप अपने बिजनेस में लेके आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आपका फैमिली बिजनेस है तो उसके अंदर भी कुछ चेंजेस जो है वो हो सकते हैं कि किसने कौन सी पोजीशन लेनी है या किसने कहाँ पर क्या करना है, किसको कौन सा जगह संभालना चाहिए, वो कुछ ना कुछ चेंज वहां पे भी होता दिखाई दे रहा है। अगर आपके जॉब की बात करें तो इस समय आप अपने जॉब को बहुत पसंद करेंगे, लेकिन आपसे कोई ना कोई गलती होती रहेगी। आप कंफ्यूज हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, कंफ्यूजन आपको हो रही है, करना बहुत कुछ चाहते हैं, पसंद बहुत कुछ है, लेकिन कर नहीं पा रहे, तो वहां थोड़ी सी इश्यू आपको आ सकती है। तो थोड़ा सा ठंडे दिमाग से काम लेकर के चलेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। लिख के अगर उसको बांट के कि ये इतना करना है, इतना करना है, इतना करना है, ऐसे करके करेंगे तो वो आपके लिए बहुत बेटर होगा।
लव लाइफ की बात करें तो इस समय में आपको कुछ लोगों के घर पे पता चल सकती है उनकी लव लाइफ जो है, तो वहाँ थोड़ा सावधान रहें। अगर नहीं बताना चाहते हैं उनको, आपके फैमिली मेंबर्स को पता चल सकता है। थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं अपनी लव लाइफ को लेकर के, जिसकी वजह से आप डिस्टर्ब लग रहे हैं, तो आपकी फैमिली को आपके लिए कंसर्न हो रहा है। कुछ लोग बिल्कुल जैसे डिप्रेशन में जा रहे हैं अपने लव को लेकर के, तो फैमिली बहुत कंसर्न हो रही है, आपसे पूछ रही है, तो ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं लव में जो है फैमिली इन्वॉल्व हो रही है, आपकी है या उनकी है, लेकिन फैमिली ज़रूर इन्वॉल्व होगी इस हफ्ते में। सिद्ध दरबार के बहुत सारे चमत्कार, एक और चमत्कार हुआ है, चलिए जानते हैं फिर आगे का राशिफल सुनेंगे। नाम सुनील कुमार, मैं लुधियाना से आया हूँ। हमारा लड़का गुम हो गया था, लड़का आ गया वापस। बहुत से लाभ होते हैं, फ्री दरबार लगता है, जिसको अगर दिखाना है वो आके अपना दिखा सकता है। हम बात करें आपके फैमिली लाइफ की, तो फैमिली जो है वो शांति बनी रहेगी, थोड़ा खटपट होता रहेगा, ऐसा कोई मेजर नहीं है, हल्का फुल्का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहेगा, हल्का सा खटपट होता रहेगा, लेकिन मैरिड लाइफ आपकी अच्छी चलती रहेगी। फैमिली लाइफ भी, घर वालों के साथ भी आपका ठीक बना रहेगा, भाइयों के साथ भी सुधार होगा, कार्य में रिश्तों में हल्का फुल्का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो दोनों ही साइड से दिखाई दे रहा है। इस समय में दोस्तों से मुलाकात हो सकती है, उनके साथ बैठ करके अपनी पुरानी बातें याद कर सकते हैं, काफी लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी ले रखी है या कोई टोकन मनी ले रखा है या आपको अपना प्रॉपर्टी सेल करना है, तो कोई कुछ डिस्प्यूट वहां पे हो सकता है या ऑलरेडी डिस्प्यूटेड है, तो फिर वो डिस्प्यूट आपका हट सकता है। तो मतलब उस स्टेटस में थोड़ा चेंज हो रहा है, आपका जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी लैंड है, उसके स्टेटस में थोड़ा चेंज हो रहा है। अगर डिस्प्यूट में है तो वहाँ आराम होगा, डिस्प्यूट में नहीं है तो डिस्प्यूट क्रिएट हो सकता है, उसका थोड़ा हम ख्याल रखेंगे। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ आपकी बहुत अच्छी रहेगी, मन इस समय बहुत प्रसन्न रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा तो बहुत सारी चीजें आप कर सकेंगे। हाँ, शुगर अगर आपको है तो वो थोड़ी सी हो सकती है बढ़ जाए, और इस समय आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे अपने मन पर, तो वो थोड़ी शुगर लेवल थोड़ा बढ़ सकता है कुछ लोगों के लिए, या बीपी अगर डाउन रहता है तो वो बीपी जो डाउन है वो कुछ लोगों को परेशान कर सकता है, अदरवाइज ऐसा कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स जो है वो काफी डिटर्मिंड होंगे, काफी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य करेंगे, मेहनत करेंगे, रात रात भर तक पढ़ते दिखाई दे रहे हैं, और आपने कोई गोल सोचा हुआ है, वो गोल बहुत करीब है और आपको पता है उसके लिए आपको तैयार होना है, तो आप काफी मेहनत कर रहे हैं, अपने आप को तन मन धन हर तरफ से आपने बिल्कुल लगा रखा है एजुकेट करने के लिए। महीने का आखिरी सप्ताह है, आपके लिए बहुत सुखद जाए, बहुत अच्छा जाए, ऐसी मैं प्रार्थना करती रहती हूँ, ऐसी कामना भी करती हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।